सो यू सी, इसलिए आप देखते हैं इट इज नॉट इजी टू से वॉट थिंग्स इज लिविंग एंड वॉट इज नॉट। इसलिए आप देखते हैं यह कहना कठिन होता है कि कौन सा वस्तु सजीव है और कौन सी निर्जीव है। बट लेट अस लिव आउट स्टोन फॉर द प्रेजेंट एंड, लेकिन हमें किसी चट्टान को वर्तमान के लिए छोड़ देते हैं एंड कंसिडर मनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, और आज हम केवल पौधों और जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब हम चट्टान को छोड़ करके इस पत्र में पेड़ पौधों और जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। We have today vast number of living things. आज बड़ी मात्रा में सजीव वस्तुएं हैं। They are all kinds of kinds. वे अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। There are men and women and some of them are very clever and some are fools. बता कि यहाँ पर बहुत सारे आदमी औरत हैं, उनमें से कुछ चालाक हैं, कुछ मूर्ख हैं। Then there are एनिमल्स एंड एमंग देम यू फाइंड क्लियर एनिमल्स लाइक एलिफेंट और मंकी और ऑन्ट, लेकिन उनमें से कुछ जानवर हैं जैसे हाथी हुआ, बंदर हुआ, चींटी, ये सब चालाक जानवरों में आते हैं। यू फाइंड आल्सो एनिमल्स हु आर वेरी स्टूपिड, लेकिन आप देखते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बड़े ही मूर्ख होते हैं, स्टूपिड होते हैं। फिशेस एंड मैनी अदर थिंग्स इन द सी आर लोअर डाउन स्टिल इन ऑर्डर ऑफ लाइफ। बताया गया कि मछलियाँ या अन्य वस्तुएं जो जीव जंतु होते हैं वे अपने जीवन के लिए समुद्र के निचले स्तर पर आते हैं अधिकतर रूप से। एंड राइट एट द बॉटम दिस ऑर्डर यू विल फाइंड स्ट्रॉन्ग एंड जेली लाइक फिशेस, और इसके अनुसार इसके अतिरिक्त आप जो है समुद्र के तले पर स्ट्रॉन्ग्स और जेली फिश भी पाएंगे जो मछली की तरह होते हैं। एंड दोज थिंग्स विच आर हाफ एनिमल एंड हाफ प्लांट्स, और ये ऐसे जीव जंतु हैं जो आपको आधे जानवरों के गुण मिलेंगे और आधे पेड़ पौधों के गुण मिलेंगे। इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह पौधा है या कोई जानवर है। वी हैव टू ट्राई फाइंड इफ ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सडनली केम टू एक्सटेंस एट वंस एंड द सेम टाइम्स अपग्रेडली वन बाय वन। करें यदि हम यह पाने का प्रयास करें कि इन जीव जंतुओं में डिफरेंस क्या है, यदि अचानक सभी जीव जंतु एक के बाद एक हमारे सामने उस पर उपस्थित हो जाएं। हाउ आर वी टू फाइंड दिस, हम इनको किस प्रकार अनुमान लगाएंगे, पाएंगे इनको। वी हैव नो रेगुलर बुक्स ऑफ दोज एंशिएंट टाइम्स, हमारे पास प्राचीन काल की कोई भी रेगुलर किताबें नहीं हैं। बट कैन आवर बुक ऑफ नेचर हेल्प अस, लेकिन हमारी प्रकृति की जो किताबें हैं वो हमारी सहायता करती हैं। इट डज हेल्प, ये हमारी सहायता करती हैं। वी फाइंड ओल्ड रॉक एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, हम क्या करते हैं कि हमको पुरानी चट्टानें और जीव जंतुओं की हड्डियाँ मिल जाती हैं। दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स, जिसे कहते हैं जीवाश्म कहते हैं। एंड वेन वी फाइंड देम वी कैन से देम दैट वेन दैट रॉक वॉज फॉर्म्ड लॉन्ग लॉन्ग एगो, और तब हम उन चट्टान या जीवाश्म को पाते हैं तो हमको यह पता चलता है कि यह चट्टान कितनी वर्ष पुरानी है। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब कितना पुराना है। द एनिमल्स हुज बोन्स वी हैव फाउंड मस्ट हैव लिव्ड, मतलब जिस जो जानवर उसमें रहता था हम उसके हड्डियों से अनुमान लगा सकते थे कि यह जानवर कितना पुराना है। यू सॉ मैनी फॉसिल्स ऑफ दिस काइंड्स, आप इस प्रकार के कई जीवाश्म को देखते हैं, बिग एंड स्मॉल एट द साउथ केंसिंगटन म्यूजियम इन लंदन, और आज भी आप लंदन के साउथ केंसिंगटन म्यूजियम में आज भी बड़े छोटे प्रकार के जीवाश्म को आपको देखने को मिलता है। वेन एन एनिमल्स डाइज, जब कोई जानवर मरता है, हिज सॉफ्ट एंड फ्लेसी पार्ट गो बैड एवरी क्विकली वेरी क्विकली, तब उस जानवर के जो मुलायम और मांस वाले पार्ट होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। But his bones remains for a very long time, लेकिन जो उसकी हड्डियाँ होती हैं लंबे समय तक टिकी रहती हैं, वो खराब नहीं होती हैं, गायब नहीं होती हैं। And it is these bones that we find and which tells us something of those animals are far off days, और यही जानवरों की हड्डियाँ जब पाते हैं तब हमको यह जानकारी मिलती है कि वह कितनी दिन पुरानी है हड्डियाँ, यह जानवर कितना दिन पुराना है। But suppose एन एनिमल्स हैज नो बोन लाइक द जेलीफिश, लेकिन यह कल्पना कीजिए यदि कोई जानवर ऐसा हो जिसके पास कोई हड्डी ही ना हो जैसे जेलीफिश हुआ।
इट विल लीव नथिंग बिहाइंड व्हेन इट डाइज, तो यह अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ेगी कि यह कब मरी, मतलब इसको हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा जीव जंतु था, कितना पुराना था। When we examine the rock carefully and collect all the old fossils bones that we find, जब हम किसी चट्टान को सावधानी पूर्वक उसका परीक्षण करते हैं और उसके ऊपर जो जीवाश्म है उसकी हड्डियों को जब हम पाते हैं, we can see, तो हम देख सकते हैं, the different kinds of animals lived at different period, तो हम देखते हैं कि विभिन्न पीरियड मतलब विभिन्न काल में विभिन्न प्रकार के जीव चट्टान पर उस जीव के अवशेष पाए गए, मतलब एक ही चट्टान पर जब हम उस पर जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो हम कई जानवरों जीवाश्म मिलते हैं, तो हमको यह मालूम होता है कि कुछ समय के लिए जीवाश्म किसी और जंतु का था, उसके बाद कोई और जंतु इस पर मरा है। देन डिड नॉट ऑल कम टूगेदर फ्रॉम नाउवेयर, तब हमको यह मालूम हो जाता है कि ये जितने जीव जंतु हैं ये सभी एक साथ है, इस पर नहीं आए हैं। द ब्यूटिफुल सेल्स यू पिक अप एट द सी शोर एट ऑल द बोनी कवरिंग ऑफ एनिमल्स हु हैव डाइड, बताया गया कि समुद्र के किनारे आप जो है बहुत ही सुंदर सेल्स जानवरों की हड्डियों को पाते हैं जो चारों तरफ हड्डियों से घुसी होती है घिरी होती हैं जो कुछ समय पहले मर गया था, मतलब समुद्र किनारे आप जो सीप मोती पाते हैं आप देखते हैं वह भी कुछ समय पहले ही मरा होता है। लेटर वी फाइंड मोर कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स स्नैक्स एनोमस बीस्ट बिगर देन आवर एलिफेंट, इसके अलावा ये कह रहा है कि इसके अलावा कुछ भी बहुत से जटिल जानवर पाते हैं जैसे सांप हो गया या कुछ प्रकार के ऐसे जानवर हैं जो यहाँ तक कि हाथी से भी बड़े होते हैं, उनके कंकाल ऐसे मिले हैं। एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स रिसेंबलिंग दोज वी हैव टूडे, और कुछ प्रकार के पक्षियों और जानवरों के कंकाल यानी जीवाश्म मिलते हैं जो आज के जीव जंतुओं से रिसेंबलिंग करते हैं, मैच करते हैं। लास्ट ऑफ ऑल, और अंत में वी फाइंड रिमाइंड्स ऑफ मैन, अब हम अंत में आदमी के अवशेष को पाते हैं। सो इट अपीयर्स, तो ऐसा दिखता है एज इफ देयर वाज ए सर्टेन ऑर्डर इन द अपीयरेंस ऑफ एनिमल्स, ए फर्स्ट ऑफ सिंपलेस्ट एनिमल्स देन ए हाईएस्ट टाइप ऑफ एनिमल्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड टिल वी रीच दैट इज कॉल्ड नाउ द हाईएस्ट टाइप ऑफ एनिमल माइंड, तो हम ये पाते हैं कि एक समय जब मनुष्य का जीवाश्म मिला तो हम ये देखते हैं इसका जीवाश्म है जानवर की तरह, पहले एक सिंपल जानवर था, उसके बाद जब वह थोड़ा और डिजिटल हुआ मतलब थोड़ा सा और उसमें विकास हुआ तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हुआ, मतलब वो तब भी जानवर था लेकिन धीरे धीरे जब कुछ तरीके से उसमें विकास हुआ तब जाके वह जो जानवर था एनिमल मैन का, मतलब वह जानवर से आदमी में परिवर्तित हो गया। जैसे कि आपने स्टोरी में सुना होगा कि आदमी जो है एक कर सकते हैं कि बंदर जो है आदमी के पूर्व से, तो उसी तरह से पहले बंदर जानवर था तो धीरे धीरे उसको अपडेट होते होते वह जो एक इंसान का रूप ले लिया, वही कहा गया कि इंसान का जो जीवाश्म था शुरू में वह जानवर का था लेकिन धीरे धीरे अपडेट होते होते वह जो है इंसान बन गया जिसका आज रूप है। हाउ द सिंपल स्पॉन्ग्स एंड द सेल्फ फिश डेवलप एंड द चेंज एंड द इम्प्रूव देयर सेल्वस सो मच इज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ स्टडी, बताइए किस प्रकार स्पॉन्ग्स और सेल्फ फिश जो हैं धीरे धीरे अपने अंदर विकास करके अपने अंदर परिवर्तन करके धीरे धीरे ये अपने आप में कितना सुधार किए, ये इसको अध्ययन करना बड़ा ही रुचिकर है। एंड परहैप्स और शायद सम डेज आई शैल टेल यू अबाउट देम, और शायद मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। बट एट प्रेजेंट वी आर कंसर्न्ड विद द फर्स्ट लिविंग थिंग्स, लेकिन आज के इस पत्र में हम केवल पृथ्वी पर प्रथम प्राणी के बारे में प्रथम वस्तु के बारे में कंसर्न करेंगे बातचीत करेंगे।